सभी को फिर से जागृति की ओर, आत्म जागृति की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस वक्त जो भी जिस शरीर में है, ये शरीर का महत्व है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप एक आत्मस्वरूप है। सबसे मेन बात ये है कि आप एक आत्मस्वरूप है, और यही बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट जानने की है। तो बात यहाँ चल रही थी कि बहुत लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्म की प्रगति के लिए, आध्यात्म की उन्नति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत लोगों ने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, और वो मेहनत को कभी भी बीच में ना छूटे, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो, कोई भी अभ्यास है, वो अभ्यास अंत समय तक चलना चाहिए, आखिरी समय तक चलना चाहिए। सबसे बड़ा अभ्यास ये है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, इस रोड पे, इस रास्ते से हमें कभी हटना नहीं चाहिए। और कभी हटने का मन भी करे, मन में आए विषय विकार, कभी इस रास्ते से हटाने के लिए आपको मजबूर भी करे, तो हमेशा याद रखे कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आपके जीवन की आध्यात्म में आने का कारण क्या था। ये अगर आप रिकॉल करेंगे, जानेंगे, पहचान वापिस उसको याद करेंगे, तो आपके अंदर वो पावर आएगी।